दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं फोटो से वशीकरण करना। अगर आपके दिल में है सच्चा प्यार तो फोटो से आप वश में कर सकते हैं किसी को भी। प्राचीन समय से ही वशीकरण के मंत्रों का प्रयोग किसी को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। ये कार्य सामान्य रूप से तंत्र मंत्र और भूत प्रेत की सहायता से किए जाते हैं। वशीकरण मंत्रों का उपयोग किसी सही काम के लिए किया जाना चाहिए, नहीं तो ये आप पर बुरा प्रभाव भी डाल सकते हैं। किसी भी मंत्र को करने से पहले ज्योतिषी या फिर किसी ज्ञानी व्यक्ति से एक बार परामर्श जरूर करना चाहिए। सभी वशीकरण के तरीके बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आप इसका उपयोग सही तरीके और सही काम के लिए करें। फोटो द्वारा वशीकरण एक प्रकार का वशीकरण का तरीका है, जिसमें उस व्यक्ति की जिस पर आप वशीकरण करना चाहते हैं उसको आपके सामने होने की जरूरत नहीं होती। आप उसकी फोटो को सामने रखकर भी वशीकरण कर सकते हैं। फोटो द्वारा वशीकरण एक तरह का मनोगत विज्ञान है, एक ऐसा तरीका जिसमें एक व्यक्ति के मन और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। फोटो द्वारा वशीकरण ऐसा उपाय है जो किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, नियंत्रित करने की शक्ति है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति आपसे दूर है या फिर पास। फोटो द्वारा वशीकरण केवल उसी व्यक्ति पर किया जा सकता है जिससे आपको भावनात्मक लगाव है। इसे करने के लिए आपको लक्षित व्यक्ति की एक छवि या फोटो का उपयोग करके उसे वश में करना होता है। आप अपने जीवन में प्यार पाने के लिए, जीवन के सपने साकार करने के लिए, या फिर शादी के मुद्दों से पीड़ित हैं तो आप अपने जीवन साथी के बीच सभी मतभेदों को दूर करना चाहते हैं तो आप इस फोटो वशीकरण का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप एक दोस्त, प्रेमिका या मनपसंद महिला को अपने जीवन में जीवन साथी की तरह प्राप्त करना चाहते हैं तो फोटो द्वारा वशीकरण बिल्कुल संभव है। ध्यान रहे आपके मन में अच्छी भावनाएं हों, वरना इसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। फोटो द्वारा वशीकरण एक बुनियादी उपयोग है जो आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। आप अपनी पत्नी को नियंत्रित करने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए, अपने जीवन में उसे हमेशा के लिए प्राप्त करने के लिए फोटो द्वारा वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों हमारे जीवन में कभी कभी हम एक विशेष व्यक्ति से मुलाकात करके उनके प्यार में पड़ जाते हैं। हम उसे एक व्यक्ति के साथ हमारे जीवन के बाकी पल बिताना चाहते हैं। फोटो द्वारा वशीकरण तभी संभव है जब हम सिर्फ उन्हें उत्तेजित करने के लिए बल्कि उनको प्यार वाली भावनाओं से उनके साथ बंधना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि फोटो से वशीकरण करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं और आपको क्यों करना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे फोटो से वशीकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी सभी समस्याओं के समाधान के लिए अभी कॉन्टैक्ट करें श्याम बाबा जी से। उनका नंबर है +918619457636। जी हाँ, इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं सिर्फ 24 घंटे के अंदर। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए श्याम बाबा जी से।